भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे रात के 10 बजे तक इंतजार कर रहे थे कि भैया पढ़ना क्या है हमें, ये जो लूसेंट की बुक है ना, ये जो एक साल तक बच्चे नहीं पढ़ते, इसको मैं सिर्फ दो क्लास में कवर करा दूंगा, आज और कल में। आज 2 घंटे पढ़ेंगे और कल 2 घंटे पढ़ेंगे। टाइमिंग यही रहेगी, 10 से 12 आज और 10 से 12 कल, और पूरी लूसेंट कवर, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन पे आपको कमेंट करना। देखो बच्चों, बात यह है कि मुझे 1000 क्वेश्चन कराने इन दो क्लासेस में। आज 500 क्वेश्चन कराऊंगा और कल भी 500 क्वेश्चन कराऊंगा। जितने बच्चे हैं जुड़े रहना। अगर सिलेक्शन चाहते हो, SSC को क्लियर करना है, रेलवे को क्लियर करना है, DRDO को क्लियर करना है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, ये दो क्लास जरूर देखना और पूरी देखना, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। सभी का स्वागत है भाई। क्वेश्चन जल्दी क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जल्दी से। अगर आपको आंसर आता है ठीक है, नहीं आता है तो यार स्क्रीन पे देखो, आंसर आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छाट के बनाए हैं क्वेश्चन जितने भी है, ठीक है। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे, ये जो है ये तो आपको पता ही है कि मेरा जुड़ने का तरीका क्या है, ये तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं बताना। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के सामने, भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये सर्वप्रथम कब गाया गया था, कौन से दिन गाया गया था, कौन से वर्ष। देखो डेट सब कुछ, टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ याद कर लेना। इसकी PDF में स्पेशली आपको क्लास में दूंगा, ठीक है। स्पेशली आपको ये PDF मिलेगी, ठीक है, इसका पूरा दिमाग में रखना। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, सर्वप्रथम किसके द्वारा कब गाया गया था, आंसर क्या है इसका, देखना आंसर क्या है, किस दिन गाया गया था। 27 दिसंबर को गाया था 1911 में, ठीक है। कौन से अधिवेशन में गाया गया था, कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस ने गाया था कोलकाता के अधिवेशन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हर एक चीज को याद रखो, हर एक चीज को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, 500 क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं होंगे जब तक क्लास को ओवर नहीं करूंगा, ठीक है। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये किस दिन गाया गया था। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, पहला जनगण का और दूसरा वंदे मातरम का। देखिएगा जल्दी स्पीड में करेंगे सब कुछ। अगर मैं बच्चों वंदे मातरम की बात करूं, ये 1896 में गाया गया, और कब, कोलकाता का अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें, ठीक है, दिमाग में रखना, किसमें, कलकत्ता का अधिवेशन जो हुआ था 1896। तो अभी हमने एक पढ़ा 1911 और एक पढ़ा हमने 1896। जितना दिमाग खोल सकते हो आज खोल लो, कल जितना खोल सकते हो खोल लो। 1000 क्वेश्चन करोगे ना तो SSC में जब पेपर में बैठोगे ना, लगेगा हाँ सब कुछ आता है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक और देखिएगा, वंदे मातरम के जो रचयिता है वो कौन है, ये वंदे मातरम किसके द्वारा, ठीक है। बच्चों ये हिंदी इंग्लिश यार इतनी कॉमन हिंदी है ना, कोई भी पढ़ सकता है इसे, ठीक है, इतनी कॉमन हिंदी है, ठीक है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया, जल्दी से बताइएगा वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया। बच्चों आज हम भारतीय हैं, नॉर्मल हिंदी होगी लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। मैं चाहता था हिंदी में सारे क्वेश्चन करा दूं जो कि सारा बच्चा समझ सके, ठीक है। देखते हैं वंदे मातरम किसके द्वारा, देखिएगा आंसर क्या है यार इसका, आंसर तो सबसे आसान है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर है। क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका क्या है, आंसर है। और स्पीड में रिवाइज कर रहा है, बूस्टर कोर्स है ये, एक तरीके से बूस्टर हो रहा है आपको, मैं बूस्ट कर रहा हूं कि हाँ आप एक ही दम से सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लो। आपको हर एक क्लास में देख रहे हो, आधे आधे घंटे की क्लास देखते हो यार, वो भी देखनी है, लेकिन बूस्ट कर लो अपने आपको। आंसर क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा, जनगण मन की जो रचयिता है वो कौन है। अभी वंदे मातरम का बता दिया, वंदे मातरम का बता दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो ऐसे अब देखते हैं एक और, जनगण मन की बात करें तो उसके रचयिता कौन है, आप सभी जानते हो उसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। और भाई सेशन को एक बार ही शेयर कर देना, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को एक बार ही शेयर कर देना। 500 के 500 क्वेश्चन सभी बच्चे देखें, कल भी 500 के 500 क्वेश्चन होंगे 10 से 12 बजे, ठीक है, कल भी, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था। राष्ट्रीय आपातकालीन जो स्थिति है,
नेशनल इमरजेंसी जो है ये कब घोषित की गई थी, नेशनल इमरजेंसी कब घोषित की गई थी बताएगा कोई? और ये स्पेशली मैं ना ऑप्शन के बिना लेके आया हूं, क्योंकि जब विदाउट ऑप्शन आपको मिलेगा ना तब आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे। मैं चाहता हूं 500 क्वेश्चन पे आज जोर डाल लो, 500 क्वेश्चन पे कल जोर डाल लो, रिवाइज दिमाग में लाओ क्या आंसर था इसका और टाइप करो जल्दी से, जल्दी सीखोगे याद रहेगा 10 दिन तक, एसएससी सीजीएल क्रैक हो जाएगा, रेलवे क्रैक हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करें तो यार आंसर क्या है इसका, 26 अक्टूबर 1962 इसमें आंसर 1961 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट बच्चे आंसर क्या है इसका, इसका आंसर क्या है 1962, दिमाग में रखना क्या है 1962, ठीक है। चाइना वॉर के बाद ही बुरे हाल हो गए थे भारत के, इसलिए क्या है राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति लगी थी, कब, चाइना इंडिया चाइना वॉर हुआ था, ठीक है दिमाग में रखना, एक तरीके से जुड़ता रहता है, इंटरलिंक है सब कुछ। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विधान परिषद ठीक है तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, विधान परिषद और विधानसभा जो है, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट का जो अपर हाउस होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, आंसर आप सभी के सामने देखिएगा आंसर क्या है, 6 और 5, क्या है 6 और 5 इसका आंसर है, ठीक है विधान परिषद का 6 है, और विधानसभा का कितना है 5 है। ये पॉलिटी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छह विधान परिषद और विधानसभा का 5 है, ठीक है दिमाग में रखना, विधान परिषद और विधानसभा का 6 और 5, अपर हाउस लोअर हाउस ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना लूसेंट का एक क्वेश्चन है बच्चे, जो पूछा जाता है किसी ना किसी एक राज्य का जो बनाया गया ना कब बनाया गया, और उन राज्यों का पूछा जाता है जो बहुत फेमस है, जैसे नागालैंड राज्य कब बनाया गया इसका आंसर क्या है, नागालैंड कब बनाया गया, और ये पूछा जाएगा इसमें, देखना पीडीएफ आपको मिलेगी इसकी, लेकिन आपको अभी याद करना है, ट्राई करना है। आज आपने 500 क्वेश्चन कर लिए और कल भी इसी टाइम 500 क्वेश्चन कर लिए ना, बहुत कुछ हो जाएगा। नागालैंड को 13वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, कौन से वर्ष में बनाया गया, 1962 में बनाया गया, 13वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया और 1962 में बनाया गया, ठीक है कौन सा 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत बनाया गया। एक और क्वेश्चन, ये एक मैंने ना इसको लूसेंट से मैंने पहले भी इसको ना क्वेश्चन में करा रखा है 5 बजे वाली क्लास में, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करूं, फर्स्ट फीमेल वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है आंसर आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, सुचेता कृपलानी, और कहां से, कौन से राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से सुचेता कृपलानी जो है ये बनी थी, ठीक है मैंने एक इसको ना ऑप्शन के तौर पे करवा रखा है पहले भी, ठीक है कृपलानी याद रखो, ठीक है किसको याद रखो, कृपलानी को याद रखो। देखते हैं एक और क्वेश्चन, पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल, वो मुख्यमंत्री का क्वेश्चन और ये राज्यपाल का क्वेश्चन, ठीक है ये पेपर में आएंगे क्वेश्चन, दिमाग में रखना ये क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, पहली महिला राज्यपाल कौन, आंसर क्या है भाई, स्पीड रहेगी, जो बच्चा एक्टिव होगा ना, जिसने पूरा मतलब सिलेक्शन लेना है तो वो एक्टिव होगा, सारे क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज करेगा। सरोजिनी नायडू, और सेम राज्य क्या है, राज्य सेम है उत्तर प्रदेश राज्य से, सरोजिनी नायडू भी कहां से, उत्तर प्रदेश राज्य से, ठीक है दिमाग में रखना कहां से, उत्तर प्रदेश राज्य से। देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, राज्य में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आय सीमा कितनी है,
राज्य में राज्यपाल बनने के लिए बच्चों न्यूनतम आय सीमा कितनी है, और सेशन आपको अगर पसंद आता है ना, आपको लगता है कि हाँ अमन सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यार, रात को 10 से 12 सेशन ले रहे हैं, स्पेशल सेशन है, तो लाइक जरूर कर देना इस सेशन को, शेयर जरूर कर देना जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, लाइक एंड शेयर दिस सेशन कि सारे देख सके, सभी का फायदा हो। राज्य में राज्यपाल बनने के लिए बच्चों न्यूनतम आय की अगर मैं बात करूं तो कोई भी न्यूनतम आय नहीं होती है, कोई भी आय निश्चित नहीं होती है, ठीक है, एज लिमिट मैटर नहीं करती है अगर आप राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्यपाल अगर है तो एज लिमिट मैटर नहीं करती है। आंसर क्या है इसका, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 2 घंटे एक्टिव रहो, मजा आ जाएगा आपको, मेहनत करके आपको भी लगेगा कि हाँ यार हमने कुछ पढ़ा है और पेपर में आएगा। पता है गवर्नर अगर कोई आदेश देता है तो उसको मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है, ठीक है, अध्यादेश अगर कोई लाता है, राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश लाता है तो बच्चों उसको मंजूरी कौन देता है, ठीक है, मैं साफ बताऊं, गवर्नर एक तरीके से ना किसको रिप्रेजेंट करता है, केंद्र को रिप्रेजेंट करता है, तो यार मंजूरी कौन देगा, मंजूरी कौन देगा, बिल्कुल विधानमंडल, ठीक है, उसके बाद वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, इंपॉर्टेंट है अध्यादेश की जब बात होती है, देखो दिमाग में रखना है, इधर किसकी बात हो रही है, अध्यादेश की बात हो रही है, गवर्नर कोई अध्यादेश लाता है तो उसको मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है, इसमें क्वेश्चन आता है और आंसर विधानमंडल है, विधानमंडल इसका आंसर है, क्या है, विधानमंडल इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, और भाई कल भी सेम है, 1000 क्वेश्चन पूरे करने हैं, 500 आज करेंगे, कल भी इसी टाइम इसी चैनल पर 500 कल करेंगे और कवर कर देंगे लूसेंट पूरी। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले को पुनः विचार कर सकता है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंडर जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, वो अपने फैसले को दोबारा मतलब अपना फैसला दोबारा सुना सकता है, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा आंसर क्या है इसका, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद की जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, तो आंसर जल्दी से कमेंट कर देना, 143 बता रहे हैं बच्चे इसका आंसर, 143 बता रहे, लेकिन आंसर थोड़ा सा गलत हो गया, 137 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर मैं बात करूं किसके रिलेटेड, जस्टिस के रिलेटेड, जुडिशरी के रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 137 है, 1-2 बच्चे ने आंसर सही लगाया इसका, 137 इसका आंसर है, ठीक है, क्या है, 137 जो आर्टिकल है अनुच्छेद है उसके तहत पुनः विचार कर सकता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय अपने ही विचार पर, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में चाहिए यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ना चाहिए यार कुछ चीजों को, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइएगा जल्दी से, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है, मान लो उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट है, दिमाग में रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों उसमें 28 क्या है जज है, तो उस 28 को 30 बनाने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो किसके पास होती है, बताइएगा किसके पास पावर होती है उच्चतम न्यायालय में, बताइएगा, क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा, 500 तक जाएंगे, किसके पास होती है बच्चों, संसद के पास, किसके पास, संसद के पास ये ताकत होती है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस है ना उनकी जो पूरा जो वैकेंसी है उसको बढ़ा सकता है, अगर 25 है तो उनको 30 कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं है इसका आंसर, प्रेसिडेंट इसका आंसर नहीं है, पार्लियामेंट है इसका आंसर, पार्लियामेंट इसका आंसर है, दिमाग में रखना, क्या है, पार्लियामेंट इसका आंसर है, प्रेसिडेंट नहीं है, क्लियर है। देखते हैं पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट, वही दिक्कत होगी ना, ऐसे ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, यही सवाल होगा, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों दिया होगा, फिर दिक्कत होती है, दिमाग में रखना पार्लियामेंट इसका आंसर है, ठीक है। अभी तो 20 क्वेश्चन हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन सारे करने हैं हमें, ठीक है। देखते हैं एक और, पंचायत तो वैसे भी नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, भारत सरकार का जितना भी व्यय होता है उसका नियंत्रण रखने की शक्ति किसके पास होती है, जितना भी भारत सरकार का जो अकाउंट है, पैसा है, सब कुछ है, उसका जो नियंत्रण रखता है वो कौन रखता है, उसको कौन कंट्रोल में रखता है, व्यय की बात करें तो जितना भी अकाउंट और सब कुछ है उन सबको
कौन कंट्रोल करता है? एक ही इंसान कंट्रोल करता है यार। आंसर क्या है? नियंत्रक एक महालेखक परीक्षक जो कैग होता है, ठीक है, कैग होता है। इसका आंसर क्या है? कैग इसका आंसर है, ठीक है। स्पीड में करते हैं जितनी स्पीड में हो सके बच्चे, जितनी स्पीड में करेंगे उतना ही बढ़िया, जितनी स्पीड में करेंगे उतना बढ़िया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे रिवाइज। और एक बारी मैं आपको बताऊं, मैं आपको आज 500 क्वेश्चन में पॉलिटी भी कराऊंगा, ज्योग्राफी भी कराऊंगा, हिस्ट्री भी कराऊंगा, और साथ के साथ इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा, साथ के साथ साइंस भी कराऊंगा। अभी ये पॉलिटी के क्वेश्चन खत्म होते ही ना हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, फिर ज्योग्राफी के स्टार्ट होंगे, फिर इकोनॉमिक्स के स्टार्ट होंगे, फिर साइंस के भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। दिमाग में रखना, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराऊंगा आपको आज। सेशन को शेयर कर देना, लास्ट तक देखो। पता है किस क्वेश्चन का आंसर? राज्य सरकार धन विधायक को कितने समय तक रोक सकता है? बताइएगा। अगर एक मनी बिल है, देखो हिंदी में लिखा हुआ बता देता हूं, अगर एक मनी बिल है, मनी बिल है, धन विधायक को हम क्या कहते हैं? मनी बिल, ठीक है। मनी बिल को राज्य सभा कितने दिनों के लिए रोक सकती है? जल्दी से बताना आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या है। मनी बिल को कितनी देर के लिए रोक सकती है? मनी बिल को कितने देर के लिए रोक सकती है? बिल्कुल सही यार, कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए मनी बिल को राज्यसभा रोक सकता है। राज्यसभा के पास 14 दिनों के अलावा कोई भी शक्ति नहीं होती, बस रोक सकता है 14 दिनों के लिए, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर, आंसर क्या है मनी बिल का? 14 दिन है इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। और भाई अगर ये क्लास 12 से भी आगे जाती है ना, 500 क्वेश्चन नहीं खत्म होते हैं, तो उसके लिए भी रुके रहिएगा। मैं चाहता हूं आज क्लास पूरी ओवर हो, 500 क्वेश्चन पूरे हो, कल भी पूरे 500 क्वेश्चन हो, ठीक है, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा जितने बच्चे हैं, ठीक है। देखिएगा, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन सी थी? राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, नामित किया जाता है, कुछ मेंबर को राज्यसभा में नामित किया जाता है। पूछा गया है पहली अभिनेत्री कौन थी जिन्हें राज्यसभा में नामित किया गया था? जल्दी से बताइएगा, बताइएगा किसे नॉमिनेट किया गया था? नामित किया गया मतलब क्या? नॉमिनेट किया गया किसे? कौन सी एक्ट्रेस है जिन्हें नॉमिनेटेड किया गया था राज्यसभा में? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना किसे नॉमिनेट किया गया था। अब आ रहा आंसर, कोई हेमा मालिनी मत लगा देना इसका आंसर, हेमा मालिनी इसका आंसर नहीं होगा, हेमा मालिनी इसका आंसर नहीं है, नरगिस दत्त इसका आंसर है, नरगिस दत्त इसका आंसर है, हेमा मालिनी इसका आंसर नहीं है, ठीक है, नरगिस दस इसका आंसर है। कुछ बच्चे ना हेमा मालिनी सोचते हैं, एक ही सुना हुआ हेमा मालिनी लगा के चल देते हैं, गलत हो जाएगा, नरगिस दत्त इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मजेदार हैं, सारे क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन है। बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच का जो अंतराल है कितना होना चाहिए? अगर मान लो एक समर सेशन है, ठीक है, उसके बाद विंटर सेशन आया, ठीक है, समर सेशन के बाद विंटर सेशन आया, ठीक है, समर सेशन है उसके बाद विंटर सेशन है, ठीक है, या फिर बजट सेशन है, ठीक है, इनके बीच में कितना कितना अंतराल होना चाहिए? कितना कितना अंतराल होना चाहिए, ठीक है, कितना कितना अंतराल होना चाहिए? आंसर क्या है? आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, मैं आगे खड़ा हो गया, आंसर तभी पता चलेगा। बिल्कुल सही, आंसर क्या है? 6 इसका आंसर है, 6 महीने इसका आंसर है, ठीक है, 6 महीने का अंतराल होना चाहिए इनके बीच में, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, जल्दी से एक और क्वेश्चन आया आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भाई, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? मान लो कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, और उसका जो एडवाइस है, उसकी जो एडवाइस है वो किसे लेनी है? सुप्रीम कोर्ट से लेनी है, तो उसका अधिकार कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने का अधिकार कौन रखता है? आंसर क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने का अधिकार कौन रखता है? आंसर राष्ट्रपति रखता है। और साथ के साथ इंपॉर्टेंट इसमें ये नहीं है राष्ट्रपति रखता है, सभी को पता है किस अनुच्छेद के तहत रखता है, 143। ये लूसेंट में भी नहीं लिखा हुआ, ये स्पेशली लिखा है, आर्टिकल आएगा इस पे, ठीक है, राष्ट्रपति लिखता है और 143 में है, ठीक है। और जो बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है ना अब कि भाई सेशन आपको पसंद आए, तो टेलीग्राम सर्च कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी, टेलीग्राम ग्रुप है अमन सर वाईफाई स्टडी, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि कल की क्लास का भी लिंक इसी में मिलेगा आपको, ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी, कल की क्लास का डायरेक्ट लिंक इसी में डालूंगा, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताना, बताइएगा। संविधान के
प्रारूप समित के समक्ष प्रस्तावन को किसने परिभाषित किया? ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। आंसर क्या है इसका बच्चे? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और जितनी भी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना उसको संसद के स्वरूप किसने रखा, तो वो किसने रखा, दिमाग में रखना, एक ही इंसान है जिसने रखा था। आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी। जेपी कृपलानी इसका आंसर नहीं है बच्चों, ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। संविधान किसने रखा था स्वरूप? जवाहरलाल नेहरू ने। बनाया किसने था? बी आर अम्बेडकर ने थे, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मुख्य विशेषता क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्या है मुख्य विशेषता? अगर मैं 1935 की बात करूं ना बच्चों, 1935 की बात करूं, तो भाई एक मुख्य विशेषता है, बहुत प्यारी मुख्य विशेषता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रांतीय स्वात्र, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर दिया था, फेडरल स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन, मणिपुर और इसके ऊपर मेघालय, मणिपुर और जो मेघालय है उसका जो हाईकोर्ट बना था, इसके ऊपर क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, ठीक है। फेडरेशन वाला स्ट्रक्चर मिला था, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आओ। मणिपुर और मेघालय का जो उच्चतम न्यायालय है, जो हाईकोर्ट बनाया था, उसकी जो स्थापना है, उसका वर्ष बताएगा कोई? कोई बता सकता है उसका वर्ष क्या है? कौन से वर्ष में स्थापना हुई थी मणिपुर और मेघालय उच्चतम न्यायालय की? जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो आंसर क्या है इसका, उच्चतम न्यायालय की बात करें तो मणिपुर और मेघालय एम एम और साथ में इधर मार्च भी एम, ठीक है, तो ऐसे याद रखना एम एम एम, ठीक है, मणिपुर मेघालय और कब? मार्च में, ठीक है, और ये इधर आ गया तीन, इसको याद रख लो, ऐसे ऐसे याद रहता है यार, ठीक है। मणिपुर मेघालय कब? 23 मार्च 2013। एक ही बच्चे का आंसर सही आया है, एक ही बच्चे ने आंसर सही दिया, बाकी सभी का गलत है इसमें से आंसर, ठीक है। आंसर क्या इसका ये है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, त्रिपुरा का जो उच्चतम न्यायालय है वो कौन से वर्ष में बना था? त्रिपुरा का उच्चतम न्यायालय कौन से वर्ष में बना था, ठीक है, जिसको नहीं पता उसे पता चल जाएगा, ठीक है। देखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, त्रिपुरा, ये सभी ना मार्च में बने, ऑलमोस्ट जितने भी नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर पूर्वांचल जितने भी राज्य हैं, उनके जो उच्चतम न्यायालय है ना, हाईकोर्ट जो भी है, वो सब कब बने हैं? मार्च के आसपास, 2013 के आसपास बने हैं, ठीक है, 2013 के आसपास मार्च में बने हैं, ठीक है, दिमाग में रखना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, 26 मार्च 2013। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कील नहर किसको जोड़ती है? ज्योग्राफी स्टार्ट होगी आपकी, हिस्ट पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन करा दिए, अब मैं ज्योग्राफी के करा रहा हूं, फिर दोबारा पॉलिटी के कराऊंगा सारे। कील नहर किसी ने सुना है? कील नहर किसको जोड़ती है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल में आया, लूसेंट से लिया था ये क्वेश्चन, बताइएगा कील नहर किसको जोड़ती है, कौन से समुद्रों को जोड़ती है, बताएगा कोई? नहीं बता सकता कोई, क्योंकि आपने नहीं सुना होगा, प्रैक्टिस नहीं करी आपने क्वेश्चंस की, मैं इसलिए करा रहा हूं ये, अभी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद 1000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तभी सिलेक्शन होगा। इन 1000 क्वेश्चन को आज और कल कर लो, और उसके बाद धड़ल्ले से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 10 दिन सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है, कील नहर किसको जोड़ती है, किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सागर आपने सुना होगा, ठीक है, बाल्टिक ओशियन जो है, बाल्टिक ओशियन सी के नाम से भी जाना जाता है, बाल्टिक सी के नाम से भी जाना जाता है, और नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ती है। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें से ये पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है, ठीक है। कील नहर किससे संबंधित है? बाल्टिक सी से, ठीक है, दिमाग में रखना। देखते हैं एक और क्वेश्चन, और भाई जो बच्चा कह रहा ना इंग्लिश, यार इतनी आसान हिंदी है, भारत की मातृभाषा हिंदी है भैया, ठीक है, और इतनी
आसान हिंदी को नहीं समझ पा रहे हो ना तो बुरे हाल है, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समुद्र में जो हम दूरी को नापते हैं ना, समुद्र में जैसे अगर मैं अपने समुद्री तट की बात करूं और उधर से ना दूरी नापू समुद्र की, तो बच्चों उसको किस यूनिट में नापा जाता है, किस यूनिट में नापा जाता है, किस इकाई में नापा जाता है, ठीक है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, दिमाग में रखना, किसके बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है, 1852 मीटर, 1852 मीटर नॉटिकल माइल का कंसेप्ट है, 1852 मीटर होता है, और इसको हम किलोमीटर में करेंगे तो 1.8 के आसपास इसका आ जाएगा, ठीक है। कभी मीटर में भी पूछ लेता है, कभी किलोमीटर में भी पूछ लेता है, ठीक है। वैल्यू दिमाग में रखना, ठीक है। मीटर और किलोमीटर तो कन्वर्जन हो जाएगा 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, बताइएगा। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का ज्योग्राफी का। सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश, ठीक है, सार्क देश की बात हो रही है इधर। आप सभी जानते हैं सार्क में कौन कौन सी कंट्री आती है, पूरा इंस्टीट्यूट है, सार्क में कौन कौन सी कंट्री आती है बताइएगा। सबसे अधिक घनी आबादी, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी है, बताएगा कोई, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी है, कौन से राज्य, कौन से देश की है सार्क में। सिंगापुर बता रहे हैं, चाइना बता रहे हैं, हाईएस्ट डेंसिटी पूछा है, सिर्फ पॉपुलेशन नहीं पूछा। पॉपुलेशन पूछा होता तो आंसर अलग हो जाता, इधर हाईएस्ट डेंसिटी पूछा, सबसे अधिक घनत्व बांग्लादेश, आंसर क्या है, बांग्लादेश इसका आंसर है, ठीक है। बांग्लादेश इसका क्या है, आंसर है, ठीक है, दिमाग में रखना, बांग्लादेश इसका आंसर है, चाइना नहीं है। सबसे अधिक घनत्व की आबादी की बात हो रही है बच्चे, सिर्फ आबादी की बात नहीं हो रही, दिमाग में रखना, बांग्लादेश इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, और भाई सेशन आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा डैम जो है कौन सा है, बताइएगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो, सबसे ऊंचे बांध के नाम लो एक बारी, जल्दी से नाम लिख देना सबसे ऊंचे बांध का, ठीक है। नाम लिखने में टाइम लगा रहे हो, कमेंट स्पीड कम हो रही है, ठीक है। आंसर क्या है इसका, सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो टिहरी बांध है, ठीक है। कौन सी नदी पे है, भागीरथी, सारी इंफॉर्मेशन लिखी है भाई, पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आपको अभी भी रिवाइज करना है, सारी इंफॉर्मेशन रिवाइज करो, एक भी पॉइंट मत छोड़ना इन क्वेश्चनों का, ठीक है। आज और कल जो होंगे ना दो दो घंटे के सेशन, इसका एक भी पॉइंट मत छोड़ना, ठीक है। टिहरी बांध की बात करूं तो भागीरथी नदी पर है, और कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है, दिमाग में रखना, टिहरी डैम, भागीरथी नदी और उत्तराखंड। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऊंचा पूछ लिया तो यार सबसे लंबा भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन ना सीएचएसएल के डायरेक्ट क्वेश्चन है, आएंगे ये सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, गजब क्वेश्चन है जितने भी है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन बहुत आता है। देखिए सबसे लंबे बांध की अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे लंबे बांध की अगर बात करूं तो आंसर क्या है इसका, हीराकुंड बांध। जो बच्चे अभी बड़े में बता रहे थे ना वो गलत बता रहे थे, ठीक है, सबसे लंबे की बात हो रही है अब, ठीक है, अब आ गया हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध है और कहां पे, कौन सी नदी पे, महानदी पे, कौन सी नदी पे, महानदी में, और कहां पे, कौन से राज्य में, उड़ीसा में, ठीक है। कहां पे, हीराकुंड डैम बांध, महानदी कौन सी है, महानदी, और राज्य कौन सा है, उड़ीसा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, याद रखना। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए अगर मैं 23 डिग्री हाफ ये बात करूं, 23 डिग्री हाफ लैटिट्यूड की बात करूं, चाहे मैं उत्तर की बात करूं, चाहे मैं दक्षिण की बात करूं, नॉर्थ या साउथ की बात करूं, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, आंसर क्या है इसका, कर्क रेखा एफ मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न। तो डिग्री आपसे पूछी जाती है, इसके आंसर क्या है, 23.5 डिग्री, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि डिग्री कितनी होती है, 23.5 डिग्री इसका आंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, जल्दी से देखिएगा, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक स्टार्ट हो जाएगी। आज सभी का सेट कराऊंगा, कल भी सभी का सेट करा दूंगा, लूसेंट कवर है, ठीक है, फिर आपको लूसेंट छूने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से,
पृथ्वी का केंद्र भाग कोण जो है उस किस कितना होता है बताइएगा, पृथ्वी का कितना होता है जो केंद्र भाग है ना, जैसे अगर मैं बात करूं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का जो ये जो कोर है ना, कोर जो है इसमें क्या क्या होता है, इसमें निकेल होता है और क्या होता है लोहा होता है, निकेल और आयरन होता है, ठीक है। और अगर इसको याद करना है तो इसको ऐसे याद रखो नाइफ, ठीक है, नाइफ से याद रखना, जो चाकू होता है ना चाकू, नाइफ से याद रख सकते हो, किससे, नाइफ से याद रख सकते हो। इसे याद करने के तरीके हैं, इधर एन आई इधर एफ ई, तो इसको चाकू बांध लो, ठीक है, नाइफ इसका आंसर है, केंद्र में नाइफ होता है, ठीक है, दिमाग में रखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, प्रशांत महासागर सभी जानते हैं इसका, ओशियंस के ऊपर सबसे बड़ा ओशियन प्रशांत महासागर का जो चौराहा है, ठीक है, जहां पे सारे जितने ओशियन है वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो किसे कहा जाता है, प्रशांत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अरे हिंदी सही है, मैं बता रहा हूँ लूसेंट ना हिंदी से ही पढ़ी जाती है और ज्यादा अच्छे तरीके से जिस्ट हिंदी में लिखा हो, इसलिए मैं इसको अपना के लेके आऊँ, नहीं तो भाई मैं तो इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, सभी को पता है, ठीक है। देखिएगा, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, हवाई द्वीप को कहा जाता है, ये कौन से देश में है, हवाई द्वीप कौन से देश में है बताइएगा, एक प्रीतम बच्चा है जिसका आंसर सबसे पहले आया है इस पे, हवाई द्वीप को कहा जाता है। अब सवाल बच्चों ये पूछा जा रहा है कि ये जो हवाई द्वीप है किस में है, कौन से देश में है, हवाई द्वीप कौन से देश में, अभी बताऊंगा, अभी इसका एक क्वेश्चन आएगा, हवाई द्वीप कौन से देश में है, अभी आएगा, मैं बता सकता हूं अभी भी, लेकिन मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, भाई शेयर कर देना सेशन को, आपको पसंद आता है तो लाइक भी कर दो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ साथ के साथ। ये जो आपके साइक्लोन है, हीरो कौन, ठीक है, आप सभी ने सुना है हीरो कौन और टॉर्नेडो, ठीक है, टॉर्नेडो, ये जो चक्रवात है, ये जो साइक्लोन है बच्चों, ये जो साइक्लोन है ये किसमें कहां चलते, कौन से देश में चलते, जल्दी से बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता साइक्लोन का, ये क्वेश्चन कि भैया हीरोकॉन और टॉर्नेडो जो है ये कहां पे चलते हैं, आंसर क्या बच्चों इसका, आंसर इसका क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, कहां पर, अमेरिका में, ठीक है, और वो आप भी कहां पे, नॉर्थ लोकेशन पे, पूर्व, ठीक है, दिमाग में रखना, सॉरी पूर्व है, ठीक है, नॉर्थ नहीं है उत्तर नहीं है, पूर्व है, ठीक है, आंसर क्या है, अमेरिका, देश जरूर पूछा जाएगा आपसे, चाइना का भी पूछा जाता है, जापान का भी पूछा जाता है, मैं बताऊंगा, सारे कवर कराऊंगा आज, ठीक है, अमेरिका और कल भी होंगे, ठीक है। और भाई जितने बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे जुड़ना है मुझसे, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्योंकि कल की क्लास का भी लिंक आपको मेरे ही टेलीग्राम पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, बताइएगा, इक्वेटर जो विषुवत रेखा जो है दो बार कौन सी नदी को काटती है, बताइएगा दो बार कौन सी नदी को काटती है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कौन सी नदी है जिससे ये दो बार होके गुजरती है, मतलब मान लो अगर मैं ये अर्थ है तो ये नदी ऐसे होके गुजरती है, एक बार कटा इधर और एक बार इधर, कौन सी नदी है जल्दी से बताना, एक बच्चे ने आंसर दिया इसका सही, एक बच्चे ने इसका सही आंसर दिया है, आंसर क्या है बच्चों, कोंगो इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर, कोंगो इसका आंसर है, कोंगो नदी है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कोंगो नदी है, वो एक दो बार काटती है इसे, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है, कोंगो इसका आंसर है, ठीक है, अमेज़न नहीं है बच्चे, कोंगो नदी है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन मैं माइंड मैपिंग से पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन लूसेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, कोंगो नदी है, ठीक है, दिमाग में रखना, क्या है कोंगो नदी, बिल्कुल एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होगी डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट लर्न एवरी क्वेश्चन टुडे एंड टुमारो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को याद रखो, ठीक है, जितने भी करा रहा हूं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सैरागोस सागर है, सैरागोस जो ओशियन है, अगर मैं सी बोल सकता हूं इसे, सी भी बोल सकता हूं, ये कहां पे है, कहां पे स्थित है सैरागोस सी, कहां पर है जल्दी से बताइएगा, ठीक है, महाशिवरात्रि बना रहे हैं, हमारी असली महाशिवरात्रि आज रात को बनेगी और कल रात को बनेगी, ठीक है, ईमानदारी से बोलूं तो, ठीक है, मैं चाहता हूं एसएससी में सभी बच्चे का सिलेक्शन हो और सभी मेरा मुंह मीठा कराएं, कुछ ना कुछ मीठा जरूर पहुंचा दे दे, ठीक है, मीठे के शौकीन है हम, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होता है, सैरागोस सी कहां पे स्थित है,
आंसर कहां पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में। किसमें? अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां पर? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है भैया, जम्मू कश्मीर में तो हम स्थित हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। पता है क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? सबसे आसान क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? आंसर आप सभी जानते हैं, इसका आंसर क्या है? नाइट्रोजन है। लेकिन कभी कभी ना परसेंटेज पूछी जाती है, 78% है। ठीक है, 78% इसका आंसर है, ये पूछा जाता है। कितने परसेंट? 78%। देखते हैं एक और क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है बच्चे, इंडिया की बात हो रही है, और पूछा गया है कर्क रेखा कहां से गुजरती है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कोई बता सकता है? सभी का नाम, कोई बताइए सभी का नाम, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? आंसर आप सभी के सामने, कौन कौन से राज्य हैं दिमाग में रखना, आंसर क्या है? 8 राज्यों से गुजरती है, या तो डायरेक्टली बच्चों ये पूछ लिया जाएगा, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ठीक है, आंसर क्या है? 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, दिमाग में रखना, यह पूछा जाता है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सेट का ये है ट्रिक, मैं बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, कल की क्लास में मैं इसकी ट्रिक डाल दूंगा। ठीक है, या मैं आपको कमेंट बॉक्स पे इसकी ट्रिक डाल दूंगा, या तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अमन सर वाईफाई स्टडी के नाम से सर्च करना, इस पे जुड़ जाना, इसमें आपको सारी ट्रिक मिल जाएंगी, कल की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और आज की क्लास की पीडीएफ लिंक, जितने भी मेरी क्लास के होते हैं सब इसमें मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप अमन सर वाईफाई स्टडी। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखो बच्चों, सभी जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ना बांग्लादेश में जुड़ती हैं। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या क्या बोला जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बांग्लादेश में, बांग्लादेश अभी एक क्वेश्चन पढ़ा इसके ऊपर हमने, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है भाई, ट्रिक भी मिल जाएगी, चैनल जो बताया ना आपको, ग्रुप बताया अमन सर वाईफाई स्टडी, उस पर ट्रिक भी मिल जाएगी। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे, पहला बात करूं इसको पद्मा कहते हैं और इसको यमुना कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या है, क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, पद्मा और, ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है ना सभी को, जितने भी बच्चे हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना, ठीक है, वॉटर प्रोजेक्ट जो था वो कहां पर स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट वॉटर प्रोजेक्ट जो है, वॉटर प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे स्टार्ट हुआ था, बताएगा कोई आंसर क्या इसका? आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या है, जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शिव सुंदरम डैम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और शिव सुंदरम ना वॉटरफॉल है। ठीक है, वहां पर ये वॉटर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था वॉटरफॉल? 1902 में। कब? 1902 में सबसे पहला। किसी को नहीं बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बच्चों। ठीक है, शिव सुंदरम जो है वहां पर स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही। ठीक है, दामोदर नहीं है, वो डैम का प्रोजेक्ट है बच्चों। जो दामोदर का है ना, वो टीवीएफ का जो प्रोजेक्ट है, दामोदर वाला, इसका आंसर नहीं है बच्चों। वाटर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, डैम प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही। ठीक है, डैम प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, शिव सुंदरम है इसका आंसर। ठीक है, दिमाग में रखना। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नाइगेरिया वॉटरफॉल जो है वो कहां पे, बताइएगा नाइगेरिया वॉटरफॉल जो है वो कहां पर है, वॉटरफॉल जो है वो कहां पर है, जल्दी से बताना नाइगेरिया वॉटरफॉल कहां पे। मैं क्यों स्पीड में हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सारे क्वेश्चन को एक बार नजर मार लो, एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लेना, सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप पता तो चल जाए ना आपको, हाँ भाई ये क्वेश्चन पढ़ना है हमने लूसेंट में से, क्योंकि लूसेंट एक साल पढ़ता है बच्चा तब भी याद नहीं होती। नाइगेरिया वॉटरफॉल की बात करें तो कहां पे, नाइगेरिया वॉटरफॉल की बात करें तो कहां पे, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कहां पे है, अमेरिका में। ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। ठीक है, आंसर क्या है, अमेरिका, यूएसए इसका आंसर है। ठीक है, कुछ बच्चों ने सही आंसर बताया, यूएसए इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो किसका बना होता है, जो हमारा पृथ्वी है, जैसे ये अर्थ है,
अर्थ का ये जो ऊपर का जो सरफेस है बच्चों, ये किसका बना होता है? हमने सेंटर वाला देख लिया, सेंटर वाला देख लिया, क्या था? नाइफ था इसका आंसर। सेंटर वाले का आंसर क्या था? नाइफ। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि बच्चों ऊपर का जो भाग है, ये जो भाग है, ये किसका बना होता है? आंसर आप सभी के सामने, आंसर क्या है? बसाल्ट जो रॉक है, बसाल्ट रॉक जो है उसका बना होता है। बसाल्ट रॉक का बना होता है। किसका? बसाल्ट रॉक का बना होता है। ठीक है, किसका? बसाल्ट रॉक का बना होता है, दिमाग पे रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इसका ये ना मिले तो ठीक है, सिलिका, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, सेल नाम से याद रख सकते हो इसे। ठीक है, सेल नाम से इसे याद रख सकते हो। ठीक है, सेल नाम से याद रख सकते हो। ठीक है, दिमाग पे रखना, क्लियर सभी को? चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन में, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, ये माउंटेन के नाम है, लूसेंट में ये माउंटेन के नाम लिखे हैं, लेकिन ना इसको ना पूरे तीन पेज में बता रखा है, लेकिन उस तीन पेज में से ना एक ही क्वेश्चन आने वाला है आपसे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो हिमालय है, रॉकी पर्वत है, एप्स है, ये तीनों तीनों क्या है? एक तरीके से माउंटेन है, तीनों माउंटेन है। सवाल आपसे ये पूछा गया है, कौन से पर्वतों के उदाहरण है? कौन से पर्वतों के उदाहरण? वलित पर्वतों के उदाहरण है, वलित पर्वतों के उदाहरण है। ठीक है, दिमाग में रखना, फोल्ड माउंटेन जो होते हैं, वलित पर्वतों के उदाहरण है, पूछा जाता है ये। ठीक है, तीन चार पर्वत के नाम लिखते हैं और पूछा जाता है किस तरह टाइप के हैं, या तो इसको लिखा जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा पर्वत वलित पर्वत है। ठीक है, तो दिमाग में रखना, न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं ये सभी, न्यू फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं सभी के सभी। ऐसे क्वेश्चन आपको ना बहुत मिलेंगे, ज्योग्राफी खत्म होने वाली, इकोनॉमिक स्टार्ट कराएंगे अब। ठीक है, ज्योग्राफी खत्म होने वाली है, ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक स्टार्ट कराएंगे। देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से ज्योग्राफी के। किसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड एशिया कहा जाता है? विश्व और एशिया की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड एशिया किसे कहा जाता है? जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड एशिया किसे कहा जाता है? आंसर क्या है बच्चों इसका? आंसर क्या है इसका? बड़े प्यारे क्वेश्चन है सभी के सभी, इसका आंसर क्या है? अगर मैं बात करूं, पमीर पठार जो है उसे कहा जाता है। ठीक है, पमीर पठार जो है उसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड एशिया। ठीक है, पमीर पठार को। देखते हैं एक और क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर कौन सा है? बताइए कौन सा टावर सबसे ऊंचा है विश्व में, विश्व में सबसे ऊंचा टावर? सब बच्चे ये भी कहते थे, सर वन लाइनर लेके आ जाओ ना, जल्दी हो जाएंगे कवर। तो यार लूसेंट भी ले आया, वन लाइनर भी ले आया, दो दिन में कवर। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर कौन सा है? आंसर क्या है इसका? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर, अगर मैं टावर की बात करूं बच्चों, सबसे ऊंचा टावर कौन सा है, जल्दी से बताइएगा भाई, कमेंट की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर क्या है? प्रोटोनस टावर। और कहां पे? किसी को नहीं बताओगे इसका आंसर। आंसर क्या है? प्रोटोनस टावर जो है, और कहां पे ये टावर? मलेशिया में है ये टावर। कहां पे? मलेशिया में ये टावर है। ठीक है, और जो बच्चा इसकी पीडीएफ मांग रहा है उसको पीडीएफ मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है मेरा अवन सर वाईफाई स्टडी, इसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पीडीएफ के लिए, लिंक के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आंसर क्या इसका? प्रोटोनस टावर मलेशिया में सबसे ऊंचा टावर है दुनिया का। ठीक है, देखते हैं बुर्ज खलीफा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइएगा कौन सा पोर्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है? बताइएगा कौन सा पोर्ट है सबसे बड़ा पोर्ट विश्व का? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, अगर मैं पोर्ट की बात करूं यार सबसे बड़े की, तो आंसर क्या है अपना? आंसर क्या है? न्यूयॉर्क इसका आंसर है। न्यूयॉर्क इसका आंसर है, दिमाग में रखना, न्यूयॉर्क इसका क्या है? आंसर है। क्लियर है सभी को? न्यूयॉर्क इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका आंसर है। न्यूयॉर्क पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है दुनिया का। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन बताइएगा। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? कौन से ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे अंध महाद्वीप कहा जाता है? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर तो खैर पता नहीं चल रहे, लेकिन 500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ठीक है, किसे कहा जाता है? बिल्कुल अफ्रीका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है,
भाई स्पीड रखो, कमेंट की स्पीड जितनी रखोगे उतनी जल्दी मैं क्वेश्चन खत्म करा दूंगा, नहीं तो मैं 12:30 पहुंचा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो मुझे कवर कराने हैं, लूसेंट मैंने आज और कल में खत्म करानी है। आज भी 10 से 12, कल भी 10 से 12, इसी टाइम इसी चैनल पर। ठीक है, कल भी सभी को जुड़ना है। देखते हैं एक और क्वेश्चन तभी कवर होगी, नहीं तो आधा अधूरा काम तो मेरे को खुद बेकार लगता है। बताइए, भारत में ना दो तरीके के कोयले पाए जाते हैं, उसमें से 90% जो कोयला है ना, 90% जो कोयला है वो कौन सा है? गोंडवाना कोयला है। ठीक है, 90% जो कोयला है वो कौन सा है? गोंडवाना कोयला है। ठीक है, पूछा जा रहा है इसका क्षेत्र कहाँ है, भारत में गोंडवाना कोयला कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? बच्चों आंसर आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? गोंडवाना कोयला पाया जाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? बच्चों जो भी हिंदी का इंग्लिश कह रहा है ना यार, मैं चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, इतना आसान है यार, इसको क्या इंग्लिश में बोलूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज द बेस्ट सोइल फॉर ग्रोइंग टी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इंग्लिश में बोल देता हूं आपके लिए, कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? झारखंड नहीं है उसका आंसर, मध्य प्रदेश है उसका आंसर। सबसे ज्यादा परसेंटेज पूछी जा रही है बच्चों, मध्य प्रदेश रहेगा उसका आंसर। ठीक है, क्लियर। और भाई सेशन आपको पसंद आ रहा है तो ठोक के लाइक मारना, जितने भी है जय महाकाल वाले जितने भी हैं। ठीक है, क्या है इसका आंसर? चाय की खेती कौन सी मिट्टी में सबसे बढ़िया होती है? लेटराइट सोयल। मैंने आपको ना एक क्लास कराई थी, ठीक है, 4 बजे क्लास कराई थी मैंने, पूरा फुल कोर्स जब मेरा चल रहा था उसमें मैंने बताया था लेटराइट सोयल का। ठीक है, लेटराइट सोयल जो होती है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, लेटराइट सोयल जो होती है बच्चे सबसे बढ़िया होती है किसके लिए? किसके लिए? चाय की खेती के लिए। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, आंसर क्या है? लेटराइट सोयल इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कपास की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए, कॉटन कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये 2-3 क्वेश्चन है सोयल के ऊपर जो आपको लूसेंट में मिलेंगे। ठीक है, इनका आंसर आपको पर्टिकुलरली अगर पता होगा ना तो आप, मतलब आपको फीलिंग आएगी कि ब्लैक सोयल वाला क्वेश्चन नहीं आया, काली मिट्टी का क्वेश्चन अब नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जल्दी से आंसर क्या है इसका, आंसर देखिएगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का क्वेश्चन, रेगुर सोयल भी कहते हैं काली मिट्टी को, ब्लैक सोयल को, ब्लैक सोयल जो है उसे रेगुर सोयल भी कहा जाता है, ब्लैक सोयल को रेगुर सोयल भी कहा जाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? सिल्वर का प्रोडक्शन किस देश में सबसे ज्यादा होता है? सिल्वर प्रोडक्शन किस देश में सबसे ज्यादा होता है? जल्दी से बताना, सिल्वर प्रोडक्शन किस देश में सबसे ज्यादा होता है? आंसर क्या है इसका, सिल्वर प्रोडक्शन किस देश में सबसे ज्यादा मिलेगा? आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, कौन से देश में? मैक्सिको में सिल्वर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिको में सिल्वर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मुंह पे कुछ नहीं लगा, मुंह पे मतलब निखार आ रखा है, पढ़ाई का निखार है, पढ़ते रहते हैं पूरे टाइम, बस वही है जिंदगी, वही है। ठीक है, आंसर क्या है? मेक्सिको सबसे ज्यादा सिल्वर का उत्पादन। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। लोहे की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? ठीक है, लोहे की सर्वाधिक मात्रा अगर मैं बोलूं तो बच्चों, लोहे की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, कौन सी चट्टान में? अगर चट्टान का क्वेश्चन आए, रॉक का क्वेश्चन आए तो दिमाग में रखना बसाल्ट रॉक। अभी मैंने आपको बताना बसाल्ट रॉक में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन होता है। सबसे ज्यादा आयरन किसमें होता है? बसाल्ट रॉक में होता है। किसमें होता है? बसाल्ट रॉक में सबसे ज्यादा आयरन होता है। गोल्ड का आपने एक बच्चे ने बताया लिम्बरबक्स, ठीक है बिल्कुल सही, लेकिन अभी वो गोल्ड का क्वेश्चन आया नहीं तो बताऊंगा नहीं, ठीक है जब आएगा बता दूंगा। बसाल्ट रॉक में आयरन सबसे ज्यादा होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, भाई पृथ्वी की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? अभी मैंने आपसे क्वेश्चन कराया था और आंसर मैंने आपको बता दिया, पहले भी बता दिया, सिलिकन और एल्यूमिनियम। ठीक है, दिमाग में रखना, अभी बताया था मैंने आपको इस क्वेश्चन को आंसर, ठीक है लेकिन वो अलग था, ठीक है क्वेश्चन अलग था, ऑप्शन भी अलग था। ठीक है, सिलिकन और एल्यूमिनियम भी उसका आंसर हो सकता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन,
पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होती है पता है क्या? अर्थ पर नाइट और डे इक्वल कब होता है? जब एसएससी का पेपर पास आ जाता है, पहली बात तो तब होता है, बच्चों के लिए दिन रात एक हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी का दिन रात एक कब होता है बताइएगा? कब होता है दिन रात बराबर? कब होता है? डेट आप सभी के सामने 21 मार्च। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है और ये बच्चे ना लूसेंट में से बच्चे रट रट के पढ़ते हैं, याद नहीं होता, ठीक है। आज एक अलग से याद करो इस क्वेश्चन को, 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च हमने मार्च की एक डेट याद करी थी ना अभी, एम 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 याद किया था हमने अभी, ठीक है। ऐसे याद रखना 21 मार्च और 23 मार्च, ठीक है। इन दो दिनों में दिन और रात बराबर होते हैं, 21 और 23, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, दिमाग में रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बताइए ग्रास के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया और यूरोप में पूछा गया है आपसे, एशिया में और यूरोप में, एशिया यूरोप में सबसे कौन सी घास पाई जाती है, कौन सी ग्रास पाई जाती है, ग्रासलैंड कौन से हैं एशिया और यूरोप में, एशिया और यूरोप में कौन से ग्रासलैंड है, जल्दी से बताइएगा, एशिया और यूरोप में कौन से ग्रासलैंड है, कौन से ग्रासलैंड है एशिया और यूरोप में, एशिया और यूरोप में कौन से ग्रासलैंड है, जल्दी से बताओ भाई। जिसका बर्थडे आ गया लेकिन आने दो ना, अभी 12 भी नहीं बजे, 12 बजे आएंगे, जिसका बर्थडे होगा नाम बता देना, सभी का स्क्रीन पे लिख दूंगा जितने भी बच्चों का बर्थडे होगा, ठीक है। अभी इसका बर्थडे काटते हैं, एशिया और यूरोप ग्रासलैंड की बात हो तो आंसर क्या है जल्दी से बताओ, बिल्कुल सही आंसर क्या है इसका, स्टेपिस इसका आंसर है, ठीक है, स्टेपिस इसका आंसर है। पूछा जाता है एशिया और यूरोप की ग्रासलैंड नहीं है, ठीक है, एशिया पैम्प नहीं है इसका, फेरारी भी नहीं है इसका आंसर, ठीक है, पेरिस इसका आंसर नहीं है, स्टेपिस इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग में रखना स्टेपिस इसका आंसर है, ठीक। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, जल्दी से बताना सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सबसे बड़ा डेल्टे की अगर बात करूं यार, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन है, और कहां पे है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो जोड़ बनता है ना उसमें बनता है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के पास और बांग्लादेश के पास, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, रॉयल बंगाल टाइगर आप सभी जानते होंगे, फेमस है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर, साइंस स्टार्ट होगी भाई, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अभी हमने दो पोर्शन कर लिए, ब्रेक एक सेकंड का भी नहीं देने वाला मैं दो घंटे में, अभी हमने पॉलिटी कर लिया, उसके बाद हमने ज्योग्राफी कर लिया, अब साइंस कर रहे हैं, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है बताइए, किसके जरिए प्रोटीन का पाचन होता है, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट है, मेरा तो फेवरेट है, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा साइंस के आपको जो आएंगे पेपर में, ठीक है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है, कैसे होता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, बिल्कुल आंसर क्या है इसका, पेप्सिन एंजाइम, सभी जानते हैं प्रोटीन का पाचन किससे हो सकता है, पेप्सिन एंजाइम से, ठीक है, स्टार्ट किससे होता है, इसी से ही, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम इसका आंसर है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, लेबोरेटरी में सबसे पहला कार्बोनिक पदार्थ कौन सा बनाया गया, कार्बन से कौन सा पदार्थ बनाया गया, लेबोरेटरी में सबसे पहला कार्बन से जो बनाया गया कंपाउंड कौन सा बनाया गया था भाई, बताइएगा किसका संश्लेषण किया गया था लेबोरेटरी में सबसे पहले, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आंसर क्या है इसका, लेबोरेटरी में सबसे पहला कार्बोनिक पदार्थ कौन सा बनाया गया था, आंसर सभी आपके सामने, कौन सा, यूरिया, ठीक है, यूरिया इसका आंसर है, यूरिया कार्बोनिक होता है इसलिए इसका आंसर है, पूछा जा सकता है यूरिया क्या है इसका आंसर। अब भाई यूरिया से रिलेटेड ना बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नायलन इसका आंसर नहीं है, यूरिया इसका आंसर है, बच्चे नायलन लगा रहे हैं, नायलन इसका आंसर नहीं है, पहली बात तो नायलन क्या है, एक तरीके से पॉलीमर है, ठीक है, और वो कार्बन से बनाता है यार, पहले तो बन नहीं सकता, यूरिया इसका आंसर है, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है, यूरिया इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा यूरिया से रिलेटेड, यूरिया में नाइट्रोजन होता है,
पूछा जा रहा है यूरिया में नाइट्रोजन होता है कितने परसेंट होता है। सवाल सिंपल सा, कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है, लेकिन सिंपल लग रहा है, क्वेश्चन मुश्किल है थोड़ा। क्वेश्चन मुश्किल है, यूरिया में बताइएगा, यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, जल्दी से बताइएगा। टाइमिंग क्या है, 10 से 12 आज और 10 से 12 कल, ठीक है, सेम चैनल पर सैटरडे और संडे, लूसेंट समाप्त। इसका आंसर क्या है, परसेंटेज की बात करूं तो बच्चों आंसर क्या है, बिल्कुल बड़ा बड़ा लिख दिया, 46%। 46% होता है कितना, 46% क्या होता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना, 46%। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी के सामने। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, सवाल आपसे पहला पूछा गया यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 46% होता है। अब बच्चों आपसे यह पूछा गया है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है, किस रूप में उपस्थित होता है, किस पैटर्न में होता है नाइट्रोजन यूरिया में, सवाल आपसे यह पूछा गया है, ठीक है, किस पैटर्न में होता है, किस रूप में होता है। क्वेश्चन है अभी पूरे 500 करने हैं, 200 के करीब क्वेश्चन, 250 के करीब क्वेश्चन हुए होंगे, पूरे क्वेश्चन करने हैं सभी के सभी, ठीक है। आंसर क्या है, किस रूप में होता है, आंसर आप सभी के सामने, देखो नाइट्रोजन की बात हो रही है ना, तो किस रूप में होगा, अमाइड के रूप में, किसमें, अमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किसके रूप में होता है, अमाइड के रूप में होता है, ठीक है, दिमाग में रखना, किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में नहीं होता बच्चों, अमाइड के रूप में होता है। एक राकेश राठौड़ ने आंसर दिया अभी तक सही, राकेश राठौड़ का आंसर अभी तक सही है, अमाइड इसका आंसर है, ठीक है, अमाइड इसका आंसर है, ठीक है। अजय कुमार ने भी सही आंसर दिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पता है क्या इस क्वेश्चन का आंसर, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, यूरिया की केमिकल यूनिट क्या है, यूरिया की केमिकल यूनिट जो है वो क्या है, बताना केमिकल यूनिट क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जल्दी से बताओ यूरिया की केमिकल यूनिट क्या है, जल्दी से बताइएगा रासायनिक सूत्र क्या है इसका। देखो अब मैं आपको ना ऑप्शन के साथ नहीं दे रहा, क्योंकि जब ऑप्शन होता है ना बड़ी जल्दी लिख देते हो, ऐसे तुक्के मार देते हो, आता है तो आता है, रिवाइज हो जाएगा आपका ढंग से, ठीक है, इतनी गारंटी है, रिवाइज आपका अभी होगा, ठीक है। सर इकोनॉमिक्स, इसके बाद इकोनॉमिक्स है भाई, इसके बाद इकोनॉमिक्स का नंबर है, सबर रखो, सारे हर चीज का नंबर आएगा, हिस्ट्री का भी नंबर आएगा, हर एक सब्जेक्ट का नंबर आएगा, आज और कल दोनों का नंबर आएगा, लेंगे सबको एक एक करके पकड़ के। आंसर क्या है, बात करते हैं, अगर मैं यूरिया का केमिकल, अगर मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, केमिकल पोर्शन की बात करूं, तो वो क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना, ये पूछा जाता है, ऑप्शन में मिलेगा NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2। एक बच्चे ने सही आंसर लिखा है, बहुत सही बच्चों, अगर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर जानते हो ना तो यार बहुत सही जा रहे हो। वैसे तो आपका सिलेक्शन इस बार ही होना होना है, 20-20 में सिलेक्शन होना होना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके साथ है वाईफाई 2020 टीम, आप सभी जानते हैं वाईफाई 2020 टीम को, ठीक है, सभी जानते हैं ना वाईफाई 2020 टीम, आकांक्षा मैम, सुरेश सर और मैं तो आपके लिए हुई हमेशा अवेलेबल। देखिएगा इसका आंसर, यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, सबसे ज्यादा यूरिया किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताना यूरिया सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तसल्ली से मिल जाएगी, पीडीएफ का सोर्स भी बता रखा मैंने, यूरिया सबसे अधिक मात्रा में यूरिन में पाया जाता है, ठीक है, सोर्स पीडीएफ का मैं बता देता हूं, मेरे से जुड़ने का सोर्स, मुझसे कोई भी सवाल पूछने का सोर्स एक ही है, अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम पर। क्लास खत्म होने के बाद इसे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप अमन सर वाईफाई स्टडी, बच्चों सारी पीडीएफ सारे लिंक, मुझसे कोई भी सवाल जवाब सब कुछ इसी पे ही होता है, टेलीग्राम ग्रुप सर्च में कर लेना, ठीक है। आंसर क्या है, यूरिन में सबसे ज्यादा यूरिया होता है, ठीक है, पूछा जाता है यूरिन सबसे ज्यादा यूरिया कंटेन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, यूरिया शरीर में किस अंग में बनता है, यूरिया शरीर में किस अंग में बनता है, जल्दी से बताएगा, जल्दी से खत्म कर देंगे, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं साइंस के, फिर हम इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे, फिर हिस्ट्री है, हिस्ट्री को पोर्शन को मैं बहुत लंबा पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं हिस्ट्री में से, ठीक है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, यार सभी जानते हैं आंसर क्या है, यकृत में, लीवर में बनता है, किसमें, लीवर, ठीक है, आंसर क्या है, लीवर इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन, सॉरी यकृत में, ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, दूध की पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू क्या बताती है? अम्लीय, ठीक है, अम्लिक होगा या क्षार होगा ये बताती है, ठीक है। दूध की एग्जैक्ट पीएच वैल्यू बताइए, कोई दूध की एग्जैक्ट पीएच वैल्यू बताइएगा जल्दी से, दूध की एग्जैक्ट पीएच वैल्यू क्या है। इसके बाद इकोनॉमिक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर हिस्ट्री स्टार्ट होगी, सारी इंपॉर्टेंट क्लास, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहो, सीखोगे अपने आप फायदा करोगे, हमारा कुछ फायदा नहीं है भैया, हम आप चाहते हैं हम एसएससी आप क्लियर करो। इसका आंसर बताओ जल्दी से, 7.2 7.4। आज तो मैं पानी भी जल्दी पी रहा हूं, नहीं तो मैं ढीला होकर पानी पीता था, ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, टारगेट इनकम्प्लीट इज इनफ मोटिवेशन। टारगेट इनकम्प्लीट है तो इनफ मोटिवेशन है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन होती है टारगेट इनकम्प्लीट हुआ तो। टारगेट क्या है? एसएससी रेलवे 6.4 इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 6.4 इसकी पीएच वैल्यू, दिमाग में रखना, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाती है, 6.4 इसकी क्या है पीएच वैल्यू। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध में जो प्रोटीन होता है, मिल्क में जो बच्चों प्रोटीन होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है बताइएगा, डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है बताइए जल्दी से, एंजाइम कौन सा है डाइजेस्ट करने के लिए? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का साइंस का जो आया है, दूध को प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसका पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम? टीम कौन सी अपनी? वाईफाई 2020 अनअकैडमी पे, क्या वाईफाई 2020 इधर 1000 करा रहा हूं, अनअकैडमी में मैं आपको 10 दिन में आपको 5000 करा सकता हूं, इसी से पता चल जाएगा, जब मैं 4 घंटे में 1000 करा सकता हूं ना, तो 10 दिन में आपको 5000 क्वेश्चन आराम से करा सकता हूं, ठीक है। आंसर क्या है इसका? रेनिन। आंसर रेनिन इसका आंसर है, ठीक है, रेनिन, बिल्कुल सही, रेनिन बच्चों जो दूध पिलाया जाता है ना बच्चों को, ठीक है, रेनिन उससे रिलेटेड है, आप सभी को पता होगा इस चीज के बारे में। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन आप सभी के सामने, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है? मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए, मिल्क प्योरिटी को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है? मिल्क प्योरिटी को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है? और भाई कुछ बच्चे लैक्टोज बता रहे हैं उसका आंसर, बच्चों लैक्टोज गलती से मत लिखे है ना, लैक्टोज इज जस्ट अ शुगर, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आएगा अभी दूध के ऊपर, ठीक है, मिल्क के ऊपर वो भी क्वेश्चन आएगा, लैक्टोज इज जस्ट अ शुगर, ठीक है। दूध की शुद्धता नापने के लिए कौन सा आंसर क्या इसका? सर बता दो यार, बिल्कुल बताएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे सर, तो आप ही के लिए। आंसर क्या है? लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर इसका आंसर है, दूध की शुद्धता को नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है, किसका? लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, दूध खट्टा क्यों होता है? आपने देखा है दूध ना बड़ी जल्दी खट्टा हो जाता है, थोड़े दिन अगर आप रख दो ना फ्रिज की जगह तो दूध खट्टा हो जाता है, सोर हो जाता है टेस्ट में, ठीक है, इंग्लिश वालों आपके लिए सोर हो जाता है टेस्ट में, ठीक है। आंसर क्या है इसका? लैक्टोमीटर है भैया, ठीक है। दूध खट्टा किस वजह से हो जाता है बच्चों? किस वजह से होता है? जीवाणुओं के कारण। ये जो आपको आसान लग रहे हैं ना क्वेश्चन, जब आपको इसका आंसर पता होगा ना तब आप उसके साथ ऑप्शन देखोगे। रेलवे में एक चीज बता दूं, एसएससी में आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन आसान होगा उसका ऑप्शन बड़ा खतरनाक देंगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर करा रहा हूं आज, ठीक है। ऑप्शन कुछ भी आए, बैक्टीरिया जीवाणुओं की वजह से, जीवाणुओं की वजह से खट्टा हो जाता है, किसकी वजह से? ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस इसका है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, अभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, खतरनाक क्वेश्चन है सभी के सभी इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स की सीरीज खतरनाक है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है यार, सभी को पता है पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ये क्वेश्चन नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है इतना, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर, दर्द निवारक दवाई इसमें से कौन सी होती है? दर्द निवारक दवाई इसमें से कौन सी होती है यार, सभी को बताए, दर्द निवारक दवाई की बात करूं तो एनालिटिक्स जो होता है ना वो दर्द निवारक दवाई होती है। अगर आपको पेन हो रहा है या आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है तो यही आपको यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है।
देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, इकोनॉमिक्स नहीं आ रही, जल्दी से आ जाए। दूध में कौन सी शक्कर पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है दूध में, ठीक है? आंसर क्या है इसका? हिंदी नहीं आती भाई, कहां से आए हो? लैक्टोज इसका आंसर है। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज शुगर पाई जाती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं यार, एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, ठीक है? एंटीबायोटिक की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, ठीक है? हाँ भाई बताइएगा, द्रव्यों में अगर मैं बात करूं, लिक्विड की बात करूं, लिक्विड में बात करूं तो सबसे बढ़िया बेस्ट सोर्स संवाहक कौन है? हीट जो रेगुलेट करता है वो कौन है? बेस्ट हीट जो कौन संवाहक करता है बताइएगा, ट्रांसफर कौन करता है? लिक्विड की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? और मुझे ना स्क्रीन की तरफ देखने का टाइम तक नहीं मिला ईमानदारी से, लेकिन बिल्कुल सही आंसर क्या है अगर मैं इसकी बात करूं तो आंसर क्या है? पारा इसका आंसर है, ठीक है? पारा इसका आंसर है, ठीक है? मरकरी इसका आंसर है। क्या है? मरकरी इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो आसान क्वेश्चन में ना मैं एक सेकंड में निकल जाऊंगा, ठीक है? आसान क्वेश्चन में एक सेकंड में निकल जाऊंगा, ठीक है? बताएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा मिक्स होने वाला कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन में मिक्स होने वाला, सबसे ज्यादा मिक्स होने वाला एलिमेंट कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मुश्किल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, हाइड्रोजन में मिक्स होने वाला सबसे सर्वाधिक मिश्रण होने वाला तत्व कौन सा है? आंसर क्या है इसका? हाइड्रोजन की अगर बात हो, कार्बन, ठीक है? क्योंकि तभी बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है क्योंकि हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा कौन मिक्स होता है? कौन मिक्स होता है? कार्बन ही मिक्स हो सकता है, ठीक है? देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा भाई। अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी, किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चन मुश्किल होंगे, सीखना है हमें इकोनॉमिक्स को, ठीक है? सीखना है हमें इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चन को। कागज में अगर कोई भी चिन्ह लग जाता है, ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए कि भैया कागज में किसकी प्रिंटिंग है, किसकी फिंगर प्रिंटिंग है, ठीक है, इसके लिए हम कौन सा पूरा प्रोसेस यूज करते हैं? कागज पर पुरानी उंगलियों का चिन्ह को पता लगाने के लिए क्या यूज किया जाता है? क्या यूज किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का घोल यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल यूज किया जाता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है? कागज में अगर हम उंगलियों के निशान पता लगाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें सिल्वर नाइट्रेट का घोल यूज करते हैं, ठीक है? देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं करना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है? सोडियम क्लोराइड इसका आंसर है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होता है? बताएगा, अगर हम लिफ्ट में हैं, गार्ड लिफ्ट जो होती है, हम उसके अगर अंदर हैं तो भार कब होगा ज्यादा? अगर मेरा वेट कुछ है तो उससे ज्यादा वेट कब पता चलेगा? कब, कौन सी कंडीशन में? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना जल्दी से। देखो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है ना बहुत ज्यादा स्पीड में, तब ना हमारा भार ना अधिक होता है, ठीक है? ओरिजिनल से ज्यादा होता है, ठीक है? ओरिजिनल से ज्यादा होता है। आंसर क्या है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही होती है तो उस टाइम हमारा भार ओरिजिनल से क्या होता है? ज्यादा होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, किसके साथ कोस्टिक सोडा को उबालकर बॉईल कर साबुन बनाया जाता है? सोप को बनाने के लिए हमें कोस्टिक सोडा के साथ किस चीज को उबालना चाहिए? सोप को बनाने के लिए हमें कोस्टिक सोडा के साथ किस चीज को उबालना चाहिए? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है, किसको उबालना चाहिए? आंसर बिल्कुल सिंपल सी बात है, वसा जो होता है, फैट है, उसको उबालना चाहिए। जो सोप बनता है ना वो किससे बनता है? कॉस्टिक सोडा और फैट से बनता है, दोनों को बॉईल किया जाता है, ठीक है? तो आंसर क्या है इसका? फैट इसका आंसर है, ठीक है? ऑयल की बात करें, ऑयल जो हो गया एक तरीके से फैट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखना, किस पदार्थ को गर्म करने
पर क्या होता है, अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बताइएगा क्या फर्क पड़ेगा भाई। ये क्वेश्चन जो आपको ऐसे लग रहे हैं ना, जब ऑप्शन आपको मिलेंगे ना सारे मिलते जुलते ऑप्शन, तब दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपको सिंगल ऑप्शन से करा रहा हूं कि आप एग्जैक्टली आंसर को याद कर लो, ठीक है। वसा उसका आंसर है, ठीक है। किस पदार्थ, अगर किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है यार, आंसर क्या है, ठीक है। उसका आयतन बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान क्या है, नियत रहता है, ठीक है, सेम रहता है, आयतन उसका बढ़ जाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ध्वनि की जो चाल है, ठीक है, साउंड की जो स्पीड है, साउंड स्पीड जो है वो किस पर डिपेंड करती है, साउंड स्पीड किस पर डिपेंड करती है बताएगा, साउंड की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, जल्दी से बताएगा। अरे गर्म नहीं हो जाएगा, आंसर क्या है, साउंड की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है, जो माध्यम है उसके घनत्व पर आधारित होती है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, मुझे बताइएगा। इसका मैं ऑप्शन देता हूं, एसिडिक है या बेसिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, जल्दी से बताना कमेंट करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ एसिडिक है या बेसिक है, आंसर क्या है इसका, अम्लीय है, एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर है इसका, पूछा जा सकता है ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है, दिमाग में रखना इसका आंसर क्या है, एसिडिक है। आज मैं ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि मैं जानता हूं गलत करेंगे बच्चे इसका आंसर, बेसिक इसका आंसर नहीं है, एसिडिक है, ठीक है, दिमाग में रखना, कुछ एसिडिक कुछ बेसिक, तो इसी से समझ जाओ आंसर गलत नहीं करना, एसिडिक बेसिक दोनों है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। स्टार्ट हो गया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया, कुछ क्वेश्चन आसान कुछ क्वेश्चन मुश्किल, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का हॉलमार्क किससे संबंधित है, अगर मैं बात करूं हॉलमार्क की बात करूं, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और जब इकोनॉमिक्स की बात होती है ना बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है, ठीक है, डेट समिति इन सबसे सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इसमें से आपको मिलते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, हॉलमार्क किससे संबंधित है, पहली बात तो हॉलमार्क किससे संबंधित है यार, गोल्ड से, स्वर्ण आभूषण से संबंधित है हॉलमार्क की बात करूं तो। देखते हैं एक और क्वेश्चन, हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ करी गई थी, भारत में ये जो हॉलमार्क का जो कंसेप्ट है बच्चों, हॉलमार्क का जो कंसेप्ट है ये कब स्टार्ट हुआ, बताएगा कोई, हॉलमार्क का कंसेप्ट कब स्टार्ट हुआ था, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हॉलमार्क का कंसेप्ट कौन से साल में स्टार्ट हुआ था, अब बता दो क्वेश्चन के आंसर, मुश्किल क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स के, जल्दी से बताइएगा हॉलमार्क कब स्टार्ट हुआ था, हॉलमार्क कब स्टार्ट हुआ था, आंसर क्या है इसका, 12 अप्रैल 2002 में, 12 अप्रैल 2002 में हॉलमार्क का कंसेप्ट लिया गया था, ठीक है, 12 अप्रैल 2002 में। देखते हैं एक और क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इको मार्क किसके लिए होता है, आंसर इसका आसान है, इको मार्क किसके लिए होता है, किसके लिए, ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंट ये है, ये बताइएगा सर्वप्रथम इको मार्क किसके लिए निर्धारित किया गया था, सर्वप्रथम इको मार्क जो है, इको मार्क जो है वो किसके लिए निर्धारित किया गया था, बताइए कौन से प्रोडक्ट के लिए, सर्वप्रथम इको मार्क जो है, पहली बार जो इको मार्क है वो कौन से प्रोडक्ट के लिए स्टार्ट किया गया था, आंसर क्या है इसका, आंसर क्या है इसका, सोप के लिए और डिटर्जेंट के लिए, किसके लिए, सोप और डिटर्जेंट के लिए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे भैया, एसएससी सीजीएल रेलवे इन सब में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और बच्चों जो बच्चा मुझसे पीडीएफ की बात कर रहा है कि भैया पीडीएफ कहाँ मिलेगा, जब भी आप सेशन क्लोज करते हैं तो उसके बाद टेलीग्राम पे सर्च करना अमन सर वाईफाई स्टडी, मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, पीडीएफ के लिए, क्लास की लिंक के लिए। कल भी दोबारा 10 बजे से 12 बजे इसी चैनल पर क्लास होगी, ठीक है, कल भी 10 से 12 इसी चैनल पर क्लास होगी, तो
तो उसका लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, अमन सर वाईफाई स्टडी। अभी सर्च कर लेना, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझसे कनेक्टेड रहो, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दूँ, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्रिस्टल इसमें से क्या है, बताएगा क्रिस्टल इसमें से क्या है, क्रिस्टल क्या है बताएगा कोई, क्या है इसे, क्या बोलते हैं, कौन सी एजेंसी है। तब भी मचा देंगे आग, यार आग मचानी है लेकिन अपने मन में सिलेक्शन लेना है। कल मैं क्यू दोबारा करा रहा हूं, 500 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं कल 10 से 12 बजे, और 500 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे भी हार्ड। ये मैं एक लेवल पे लेके गया हूं, अब कल मैं इससे खतरनाक लेवल पे आ जाऊंगा, ठीक है। कल भी इसी सेशन को करेंगे 10 से 12 इसी चैनल पर। क्रिसल क्या है, क्रिसल क्या है, बिल्कुल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग, जो पैसा दिया जाता ना उधार, क्रेडिट दिया जाता उधार, उससे रिलेटेड है क्रिसल, ठीक है, ठीक है। क्रिसल किससे रिलेटेड है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ISO, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, बताइएगा कब बना था। इंडियन स्टैंड, क्राइम से रिलेटेड नहीं है भैया, क्रेडिट से रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड नहीं है, क्रेडिट से रिलेटेड है, दिमाग में रखना, ठीक है, क्रेडिट से रिलेटेड है। आंसर क्या है इसका, ISI कब बना था, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था। और भाई सेशन को शेयर कर देना जितने बच्चे हैं, जितना लास्ट में हिस्ट्री कराऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, लूसेंट की सबसे प्यारी हिस्ट्री है, उसके सभी क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। जितने बच्चे हैं कंटिन्यूटी बनाए रखो, 40 मिनट और पढ़ लो, हिस्ट्री करनी है हमें, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कब, 6 जनवरी 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बना था। और मुख्यालय बहुत पूछा जाता है इसका, इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि भैया किसका मुख्यालय कहाँ पे है, बच्चों किसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में इसका मुख्यालय, ठीक है, दिमाग पर रखना, कहाँ पे, दिल्ली में इसका मुख्यालय। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहां पर स्थित है, राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल कहां पर स्थित है, बताइएगा, नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल कहां पर स्थित है, नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल। आंसर क्या है, हैदराबाद में है, कब स्थापना हुई थी, 1977 में, हैदराबाद में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसमें, इस टेलीग्राम चैनल पर जो आपको दिखा रहा हूं सामने, अमन सर वाईफाई स्टडी। भाई सभी के लिए एक क्लास, डीआरडीओ, एसएससी, रेलवे, जीके, सबके लिए बराबर, हैदराबाद में है नेशनल काउंसिल। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नियुक्तक रिक्रूटमेंट किससे मिलती है, दिल्ली से, रेलवे से मिलती है, लेकिन रेलवे से मिलनी थी। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय वन आयोग, सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो स्थापना है वो कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। भाई मैं खुद नहीं थकता, पूरी रात पढ़ाते पढ़ाते आप कहां से थकोगे, आपको तो पढ़ना चाहिए, हम तो पढ़ा रहे हैं, आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाई का देखो, देर इज नो अल्टरनेटिव टू एजुकेशन, देर इज नो अल्टरनेटिव टू स्टडी, ठीक है, लिटरली कुछ भी जुगाड़ लगा लो, स्टडी का अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, पढ़ने का अल्टरनेटिव कोई नहीं है। केंद्रीय वन आयोग की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये कहां पर है, केंद्रीय वन आयोग, सॉरी, कौन से साल में बना, 1965 में, कब, 1965 में बना था, ठीक है, 1965 में बना था केंद्रीय वन आयोग, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, हाँ भाई बताइएगा, केंद्रीय वन आयोग था। देखो मैं क्यों इन दो क्वेश्चन को साथ में रख रहा हूं, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ना आपका क्वेश्चन गलत कराते हैं। केंद्रीय वन आयोग है, अभी इधर पूछा वन अनुसंधान संस्था जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर अलग है, इसका आंसर 1906 है, इसका आंसर क्या है, 1906, और बच्चों कहां पे, देहरादून में, कहां पर, देहरादून में, ठीक है, बिल्कुल सही, एक दो बच्चे ने इसका आंसर सही बताया है, कहां पर है, 1906 कहां पे स्थित है, देहरादून में स्थित है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना,
विश्व में सबसे सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? ठीक है, बताइएगा सबसे ज्यादा जो इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पर है, कौन से देश में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन है, बताइएगा कौन से देश में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन है, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 12 बजे से ड्यूटी है ना भाई, कर लेना, पहले आंसर तो दे लो इसके। सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, सहकारी संस्थाएं कहाँ पे है, भारत में ही है। सबसे ज्यादा नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है ना वो कहाँ पे बनी है, भारत में बनी है, भारत इसका आंसर है। ठीक है, दिल्ली में, इंडिया में, बहुत से बच्चों ने सही आंसर बताया, भारत इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहली बार कब महसूस हुआ, कि इंडिया में एनर्जी क्राइसिस, इंडिया में एनर्जी क्राइसिस जो है, एनर्जी क्राइसिस है वो कौन से साल में लगा था, कि भैया एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे, कौन से साल में लगा था एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे, जल्दी से बताना। इंडिया में एनर्जी क्राइसिस का कब फील हुआ था, बताएगा जल्दी से। और भाई सेशन को ना शेयर कर देना साथ के साथ, जिससे कि सारे बच्चे देख सके, और कल भी लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर अमन सर वाईफाई स्टडी पे, कल भी सेम टाइम क्लास होगी। ठीक है, मेरे को लिंक देने की जरूरत ना पड़े, इतनी शिद्दत होनी चाहिए। क्राइसिस कब फील हुए थे सबसे ज्यादा, 1973 में, कब 1973 में। ठीक है, दिमाग पर रखना 1973 क्या है इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता किससे पता चलती है, यार एगमार्क से पता चलती है, सभी जानते हैं। अब ये पूछा जाता है सवाल, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पे है, सेंट्रल एग्रीकल्चर लेबोरेटरी कहां पर है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेंट्रल एग्रीकल्चर लेबोरेटरी कहां पर है, सेंट्रल एग्रीकल्चर लैब कहां पर है, जल्दी से बताइएगा सेंट्रल एग्रीकल्चर लैब कहां पे, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, बता रखा है यार, इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ये जो टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है ना आपके सामने, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में इन तीनों के नाम से, अमन सर वाईफाई स्टडी के नाम से। ये कहां पे, नागपुर में। इसका आंसर क्या है, नागपुर। बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया है, दिल्ली देने वाले गलत आंसर दे रहे हैं, नागपुर इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ये नहीं करना इसमें। पेटेंट अधिनियम कब आया था, कुछ चीजें भारत में पेटेंट होती है ना, कुछ चीजें भारत में पेटेंट होती है, तो पेटेंट एक्ट भारत में कौन से वर्ष में बना था, पेटेंट एक्ट भारत में कौन से वर्ष में बना था, तो आंसर क्या है, 1970 में। पेटेंट समझते हैं ना कि भैया किसी चीज पर बस सिर्फ मेरा अधिकार है तो मैं उसका पेटेंट लेता हूं, तो कब, सर भूख लग रही है, भाई मुझे खुद भूख लगती है, ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, लेकिन आधा घंटा कंप्लीट करके जाऊंगा, पूरे 500 क्वेश्चन कवर करा के जाऊंगा। ठीक है, 400 प्लस कुछ क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन 500 क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, पूरे 1000 क्वेश्चन पूरा टारगेट है मेरा, लूसेंट खत्म करनी है कल और आज में। 1970 इसका आंसर है। ठीक है, 1970 में पेटेंट अधिनियम आया था। ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया था, इकोनॉमिक्स में लिटरली ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में लिटरली ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया था, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 15 सितंबर 2003 में, ठीक है, 15 सितंबर 2003 में आया था। ठीक है, दिमाग में रखना, 15 सितंबर 2003 में आया था। जल्दी से बताएगा, क्वेश्चन ये हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हिस्ट्री स्टार्ट करा रहा हूं आपकी, हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन कवर करो, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। ठीक है, लास्ट सेक्शन हिस्ट्री का सेक्शन, सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, हिस्ट्री लास्ट सेक्शन है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन सबसे आसान पूछ रहा हूं आपसे, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है,
जितने भी बच्चे हैं जल्दी से, लास्ट सेक्शन है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? आंसर क्या है? हेरिडोटस, ठीक है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरिडोटस को कहा जाता है। किसे? हेरिडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है सबसे फेमस है किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताना। बताएगा सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु सभ्यता, भाई सिंधु सभ्यता ना एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध है। आज मैं उसको ना बेसिक कवर करा रहा हूं, इसी से रिलेटेड ना मुश्किल चीजें कल स्टार्ट हो जाएंगी। मुश्किल चीजें इसी से रिलेटेड ना कल स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं दोनों चीजें आए पेपर में, जो आएगा ना वो दोनों चीजें हैं, ठीक है। किसके लिए? सुनियोजित शहर हेतु, ठीक है। जो स्ट्रक्चर्ड सिटी है, स्ट्रक्चर्ड सिटी जितनी भी है उनके लिए सिंधु सभ्यता मशहूर है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड सिटीज के लिए मशहूर है ये, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है। नगर केंद्र के लिए मशहूर है ये, ठीक है, दिमाग में रखना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सिंधु सभ्यता में लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी जितनी भी हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, आज सारे कवर करा दे रहा हूं, कल मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से करा रहा हूं एक पैटर्न में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था, जो ऑक्यूपेशन था, वो क्या था, जल्दी से बताइएगा। प्रमुख प्लानिंग क्या है, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है? अगर मैं बात करूं इसकी तो आंसर क्या है इसका? कृषि, ठीक है। सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि ही था, एग्रीकल्चर था, ठीक है। ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सी थी? मेन एग्रीकल्चर क्रॉप कौन सी थी? मेन एग्रीकल्चर क्रॉप कौन सी थी, जल्दी से बताना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या? मेन एग्रीकल्चर क्रॉप कौन सी है? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी मुख्य फसल कौन सी थी, जल्दी से बताना। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? जो और गेहूं। और ऑप्शन में ना ऐसी ऐसी आपको क्रॉप दी जाएगी जो कि आपका ना दिमाग खराब कर देगी पेपर में, इसलिए एग्जैक्टली वर्ड याद रख लो, ठीक है। जो और गेहूं इसका आंसर है, ठीक है। जो और गेहूं इसका आंसर है, ठीक है। जो और वीट इसका क्या है? आंसर है, ठीक है, दिमाग में रखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये क्वेश्चन ना कॉमन है, इस क्वेश्चन को नहीं करना, कॉमन क्वेश्चन है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन सी लोकेशन थी, पूछी जाती है, लेकिन आसान है, ठीक है। इसमें से मैं एक बता देता हूं, इसको मैं जरूर बताना चाहूंगा। सिंधु सभ्यता में उत्तरी और दक्षिणी पुरस्ताल जो है वो कौन से थे, ठीक है। और आंसर क्या है? मेरा घर है यहां पे अखनूर, यहां का मैं रहने वाला हूं, अखनूर में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बता देता हूं, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन स्किप हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। सिंधु सभ्यता के बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका आंसर बताएगा। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई थी, किस आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हड़प्पा सिविलाइजेशन की जानकारी दी गई थी, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? लास्ट के 10-15 क्वेश्चन है, कर लो जितने भी है, ठीक है। आंसर क्या है? किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी 1826 में। चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी गई थी, ठीक है, दिमाग में रखना। चार्ल्स मैसन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो जो सिविलाइजेशन है इनकी जो खुदाई हुई थी इसको किसने स्टार्ट करवाया था, बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? दयाराम साहनी इसका आंसर, पहले वाले का दयाराम साहनी नहीं है, ठीक है, चार्ल्स मैसन है। खोज किसने करी थी? अब इधर पूछा गया, खुदाई का पूछा गया, किसने इनको डिगिंग करवाई थी, इसको खोजने के लिए किन्होंने स्टार्ट कराया था खुदाई का, बताइएगा। अब आएगा आंसर आपका जो आप बोल रहे हो। आंसर क्या है? आंसर हम क्या? सर जॉन मार्शल इसका आंसर है। अब आया ना आंसर, सर जॉन मार्शल, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है, जो लैंग्वेज है उसके लिए कौन सी लिपि यूज की जाती थी,
बताएगा सिंधु सभ्यता में। अभी तक तुम्हारा दयाराम सहानी वर्ड नहीं आया, ठीक है। और भाई जितने बच्चे थक चुके हैं वो दिमाग में रखना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, थकना नहीं है, कल भी होगा सेशन। तो टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, इसको सर्च करते हुए जाना जितने भी बच्चे जाओगे, क्योंकि ये जो टेलीग्राम चैनल है इसी पे आपको मिलेंगे जितने भी क्या बोलते हैं पीडीएफ है, लिंक है। कल क्लास सेम टाइम पे होगी 10 से 12, और मुश्किल क्वेश्चन होंगे, इससे लेवल बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आज मेरे को समझाना था कुछ, ठीक है। आज कल इससे बड़ा लेवल हो जाएगा, सेम 10 से 12 बजे क्लास होगी, लिंक इस चैनल पे मिलेगा टेलीग्राम पे, अमन सर, ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी। भाव चरित्रम, ठीक है, पिक्टोरल लैंग्वेज होती थी, ठीक है, लिपि कौन सी होती थी, ठीक है, पाली लैंग्वेज, पिक्टोरल लैंग्वेज साथ के साथ, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह आप सभी जानते हैं, स्वास्तिक चिन्ह आप सभी जानते हैं, ठीक है। पूछा गया बच्चे ये जो स्वास्तिक चिन्ह है किसके द्वारा दिया गया, स्वास्तिक जो चिन्ह है ये किसके द्वारा दिया गया, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। स्वास्तिक चिन्ह जो है ये किसके द्वारा दिया, हम अपने पूरे रिचुअल्स में स्वास्तिक चिन्ह को यूज करते हैं, सवाल ये पूछा गया ये किसके द्वारा दिया गया, स्वास्तिक चिन्ह किसके दिया गया, आंसर क्या है इसका, सिंधु सभ्यता के द्वारा। किसमें स्वास्तिक चिन्ह को दिया गया, सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह को दिया गया, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद, देखते हैं एक और क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह कौन सी सभ्यता से मिला है हमें, सिंधु सभ्यता से मिला है, ठीक है, सिंधु सभ्यता से हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आग का आविष्कार कौन सी सभ्यता में हुआ था। ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन जब तीन चार सभ्यता एक साथ लिखी हुई होती है ना, जब तीन चार सभ्यता एक साथ लिखी होती है और पूछा जाता है आग का आविष्कार कौन सी सभ्यता में हुआ, तो दिमाग घूम जाता है, ठीक है, दिमाग में रखना इन चीजों को, ठीक है। दिमाग उस टाइम ट्रैवल करता है हवा में, ऐसे क्वेश्चन आसान नहीं लगते जब ऑप्शन आते हैं, ठीक है, दिमाग में रखना, इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूं। पूर्व पाषाण जो है उस काल में आग की खोज की गई थी, ठीक है, किसमें, पूर्व पाषाण में आग की खोज की गई थी। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सबसे पहला, ये क्वेश्चन आसान है यार, पालतू जानवर हमेशा एक ही रहेगा, कुत्ता, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है बताइएगा, कौन से देश में हड़प्पा स्थित है, ये जो हड़प्पा जो सभ्यता है कौन से देश से उत्पन्न हुई है, कौन से स्टेट में, बताइएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे घर जाने की टेंशन मत लो, पूरी हिस्ट्री कवर कराने दो, एक बारी हिस्ट्री कवर कराने दो, फिर जो बचे खुचे जितने भी क्वेश्चन है ना सारे कल कराऊंगा 10 से 12 सेम टाइम, ठीक है। और लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो आपको बता दिया। आंसर क्या है, हड़प्पा हमारे दुश्मन, आंसर क्या, अच्छा इसका आंसर ये नहीं है, रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है। देखते हैं 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेशन को ओवर करेंगे, बाकी कल करते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, जल्दी से बताएगा आंसर क्या बच्चों, इसका आंसर क्या है, लोथल इसका आंसर है, ठीक है, लोथल इसका आंसर है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख जो बंदरगाह है वो कौन सा है, लोथल है, ठीक है, लोथल इसका सबसे प्रमुख बंदरगाह है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लोथल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है सिंधु सभ्यता में, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दयाराम सहानी 1921, ये सब चीजें आपको ना लूसेंट में मिलती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, अभी हमने समझ ली ना, याद रहेगी, ठीक है, पूरे टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, ये आसान क्वेश्चन है, इसको नहीं कराना, हाँ बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, चावल का जो साक्ष्य है कि भैया चावल हमने पहली बार जो खोज हुई थी वो कहां पे हुई थी, कौन सी सभ्यता में हुई थी, आंसर क्या है इसका, आंसर क्या है, लोथल में और रंगपुर में, कहां पे, लोथल और रंगपुर। अगर बंदरगाह की बात करी जाए तो उसका भी आंसर क्या है, लोथल इसका आंसर है, ठीक है। तो अपने जितने भी बच्चे हैं अभी अपने सेशन को ना ओवर करते हैं यार, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं अपने सेशन को ओवर करते हैं, पूरा क्वेश्चन जो है उनको कवर कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन है।
पूरी स्लाइड बना के रखी हुई है 1000 क्वेश्चन की, ठीक है, कवर करा देंगे जितने भी हैं। अब क्या है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। जो नेक्स्ट जो कल सेशन होगा ना, सेम होगा, सेम 10 से 12 बजे सेम चैनल पर 10 से 12 बजे सेशन होगा। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, इसे अभी सर्च कर लो जितने भी बच्चे हैं, और इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ। और साथ के साथ बच्चों, साथ के साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है और 5000 क्वेश्चन करने कंप्लीट जीके जीएस साइंस के, ठीक है, जिसमें से 25 में से 20 क्वेश्चन तो भैया इसी में से वो आ जाएंगे, तो ये सेशन स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी पर, ये सेशन स्टार्ट हो चुका है 19 फरवरी से। 10 दिन या 16 दिनों में मैं आपको 5000 क्वेश्चन करा दूंगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके साथ जुड़ जाना, ठीक है, और साथ के साथ इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। इसका कोड क्या रहेगा, टीम है हमारी Wi-Fi 2020, इसलिए मैं Wi-Fi 2020 कोड लिखता हूँ, क्योंकि हमारा कोड भी क्या है, Wi-Fi 2020 कोड है। मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए कोड को यूज करेगा Wi-Fi 2020 जितने भी, ठीक है, देखते हैं। और लास्ट बट नोट द लिस्ट, मेरी क्लास टाइमिंग मेरी एक 10 बजे वाली तो हमेशा होती है, ये 10 बजे वाली क्लास डेली होती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, हर दिन होती है 10 बजे क्लास, ठीक है। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन कल होगा दोबारा, 10 से 12 बजे के बीच में सेशन होगा। सेशन अगर आपको ये पसंद आता है तो भाई डेफिनेटली लाइक करके जाना और कमेंट करना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। आपको सेशन पसंद आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय सभी को।